अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बुलबुल, कुछ पता चला? अभी तो कुछ भी नहीं विशेष जी, और हमारी मजबूरी ये है कि हम उसे साफ साफ पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इस सबके पीछे राजवीर का ही हाथ है तो फिर दीदी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर इस सबके पीछे राजवीर का हाथ नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? बुलबुल, तुम एक बार फिर सोच, हम पुलिस के पास ना जाके सही कर रहे हैं क्या? हाँ विशेष जी, हमें लगता है कि अगर हम पुलिस के पास गए और किडनैपर को पता चल गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है। वैसे हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर किडनैपर को पैसे चाहिए तो वो पैसे ले और दीदी को छोड़ दे, ये शादी ब्याह की बातें क्यों कर रहा है ये? कहीं सबके पीछे आपकी फैमिली का हाथ तो नहीं है? बुलबुल, देखो हम जानते हैं तुम परेशान, इसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी बोलोगे। हमारी फैमिली ऐसा कुछ नहीं कर सकती, समझी? एक बार शांति से सोचिए विशेष जी, इस सबसे सबसे ज्यादा सुकून आपके परिवार को ही मिलेगा, क्योंकि जब तक दीदी की शादी नहीं होती आप शादी नहीं करेंगे, और हो सकता है दीदी की शादी होने के बाद वो आपकी शादी की बात किसी और से करे। बुलबुल मिश्रा, जैसे तुम अपनी फैमिली को समझती हो वैसे ही हम अपनी फैमिली को जानते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं हमारी फैमिली ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब हम ऐसा क्या करें कि तुम हमारी बातों पे यकीन करो? फिलहाल तो हम वही करते हैं जो आप हमेशा से कहते आए हैं, एक दूसरे से उलझने के बजाय मुसीबत का हल ढूंढते हैं। विशेष जी, हमें इस राजवीर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप प्लीज उस पर थोड़ी सी नजर रखेंगे उसके घर के बाहर से। लेकिन हाँ, ये राजवीर बहुत ही शातिर इंसान है, उसे जरा से भी भनक नहीं हो कि आप उस पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, हम उसे घर जाते हैं। ठीक है, तो हम निकलते हैं। वैसे तुम्हारी बहन है बहुत दिलेर, है ना? अरे यार तुम बोलो ही कैसे, तुम्हारी पट्टी तो मैंने खोली नहीं। दिलेर शेरनी है वो, जब झपटती है ना तो सामने से झपटती है, तुम जैसे गीदड़ों की तरह पीछे से वार नहीं करती। शेरनी, वैसे तुम्हारी ये हालत तुम्हारी बहन की वजह से, और ऊपर से दिमाग भी वो बहुत तेज चलाती है, वो जल्द से जल्द तुम तक पहुंचना चाहती है, और उसकी इसी बेकरारी को देखते हुए मैंने अपने प्लान की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर दिया है। क्या हुआ, नहीं समझी? अब रोहन के साथ तुम्हारी शादी कल ही होगी। सपने देखना बंद करो तुम, हम कोई शादी वादी नहीं करेंगे। अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी शादी तो होके रहेगी। तुम्हें ये सब करके? हाँ सुकून,
तुम्हारी बहन को बहुत आदत है ना दूसरों के लाइफ में घुसने की। अब उसे पता चलेगा कि किसी के लाइफ में घुसने का क्या मतलब होता है। तुम्हारी शादी के बाद वो टूट जाएगी और नारायण शुक्ला यानी कि मेरा बाप उसका सिर सबके सामने झुक जाएगा। मेरी इस करतूत से वो सबके सामने माफी मांगेगा, वो भी हाथ जोड़ के। तब मुझे मिलेगा सुकून। आखिर इन सब में हम कहां हैं? तुम एक मोहरा हो शालू। तुम्हारी शादी के बाद जब जब तुम्हारी बहन तुम्हें देखेगी उसे अफसोस होगा कि राजवीर शुक्ला से पंगा क्यों लिया। अरे आज के लिए इतना ही, हमें और भी काम है। हम सारा वक्त तुम्हें नहीं दे सकते शालू। बुलबुल से इसका पंगा हुआ समझ में आता है, पर कोई अपने ही पिता से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? हे भगवान, कैसे निकले हम यहां से? विशेष जी, शालू जी, इससे पहले कोई आ जाए हमें यहां से निकलना होगा। ठीक है, आइए।